हेलो गाइस, तो चलिए मेकअप करते हैं। मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला था, सो मैं आज बैठी हूँ। सारे लोगों को मैंने देखा कि ईद पर डाली है, तो चलिए मैं भी ईद पर मेकअप आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने चेहरे को अच्छे से प्रेप कर लिया था, उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाया, उसके बाद मैंने अच्छे से उसे ब्लेंड करने के बाद मैंने आँखों के नीचे और जहाँ जहाँ मुझे अपने चेहरे को हाईलाइट करना था सो मैंने वहाँ मैंने बहुत ही सस्ते दामों पर जो भी प्रोडक्ट लिए मैं उसी से मेकअप कर रही हूँ और उस तरह से मैंने चेहरे को हाईलाइट किया। मैंने एक नया ट्रिक देखा था कि लोग अपने हाथों को अपने चिक बोन पे इस तरह से रख कर और ये ब्लश लगाते हैं, सो मैंने भी वो किया है। सीखने को कहीं से भी कुछ मिले तो मैं उसे ज़रूर सीखना चाहती हूँ और उस तरह से प्रैक्टिस करती हूँ, लगाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर हाईलाइटर लगाया। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो रात को 2 बजे शूट कर रही हूँ, ये मेकअप कर रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। दिन में मेरा बेटा है जो मेरा मोबाइल मुझसे ले लेता है, उसकी मोबाइल ख़राब हो गई है। सो आप लोग बताइए कि प्लीज़ कैसा कर रही हूँ। सब कुछ करने के बाद, हालांकि आप सबको अभी जान रहे मेकअप कैसे करना, सब कुछ सबको पता है स्टेप बाय स्टेप, मैंने कुछ नया अभी देखा है, मैंने वो सब ट्राई किया है। मुझे पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही थी लेकिन अब बहुत ही इजी लग रही है। आप डार्क कलर अपने लिड पर पूरी तरह से लगा लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए कि एकदम आँखों के सेंटर में आप थोड़ा सा लेकर कंसीलर लगा लीजिए। ऊपर जब देखेंगे तो आपके ऊपर में वो एक बहुत ही सुंदर सा आपका ये क्रीज कट लग जाएगा। फिर उसे मैंने अपने फिंगर से ही आँखों पर ब्लेंड कर लिया है। फिर वहाँ पे मैंने शिमर लगा लिए और लास्ट में कॉर्नर पर मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लगाया, आईलाइनर लगाई, मैंने मस्करा लगाया, लिपस्टिक लगाया और इस तरह से मेकअप कंप्लीट हुआ। पहले मुझे बहुत टफ लगता था लेकिन बिल्कुल भी नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप भी फटाफट से बहुत ही सुंदर मेकअप कर सकते हैं। बस अपने ऊपर आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस रखना है जिस तरह से मैंने रखा है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मेरा मेकअप सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत 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 ही वैल्यू रखती है। तो इस तरह से मैंने अपना ये ईद लुक बोलिए या कुछ भी, मैंने इस तरह से गरारा शरारा पहन के ज्वेलरी डालकर रेडी हो गई हूँ। आप लोग बताइए कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए मेरे मेहनत के लिए, कम से कम मुझे पता तो चले। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय एंड थैंक यू।